दरिवा के संजय गांधी अस्पताल में महिला के शव से गहनों की चोरी का मामला सामने आया है। मृतक महिला के परिजनों ने मरचोरी से गहने चोरी होने का आरोप लगाया है। बता दें कि करचुलियान तहसील अंतर्गत गुड़गांव निवासी शिवमूर्ति पटेल की मां ने चूहामार दवा खाली थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात उनकी मौत हो गई। मौत के बाद शव को मर्चुरी में रखवा दिया गया। जब सुबह परिजन मर्चुरी पहुंचे तो शव से सोने का लॉकेट और पैरों से पायल गायब थी। मृतका के पुत्र ने बताया कि उनकी मां मानसिक रूप से बीमार रहती थी। उनकी मौत के बाद शव को मर्चुरी में रखवाया गया। उस समय गहने मौजूद थे और कर्मचारियों ने गहने उतारने नहीं दिए। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाए गए, जिसके बाद परिजन महिला का शव लेकर घर चले गए हैं। संजय गांधी में वो 12:30 बजे दम तोड़ दी, तभी मैं बोला सर वो कुछ जेवरात पहनी है तो वो ले लेता हूँ। बोले नहीं नहीं आप रहने दीजिए, यहाँ पूरा सेफ्टी के साथ सामान रहेगा। आप मैं उसका गले का साड़ी हटा के जब देखा उसके गले में ना लाइकेट थी ना पैर में पायल था, बाट हुआ या फिर एसी पर, इसके अलावा तो हम निकाले ही नहीं। पूरे जेवर उतारने का एक निश्चित प्रोटोकॉल है और उसके बाद ही बॉडी मॉर्चरी के अंदर जाती है। वो FIR दर्ज नहीं कराई है और उन्होंने CCTV कैमरे की फुटेज भी देखी है। अभी मैं फुटेज मंगवा रहा हूँ, मैं भी देखूंगा उनको। घटना अगर होती दिख रही है तो उसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।